किस्मत हाथों की लकीरों में होती है, लेकिन जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी किस्मत होती है। ये कहावत इटावा में 13 साल के अबू हमजा पर सटीक बैठती है। अबू हमजा 7वीं में पढ़ते हैं और अपनी तकदीर अपने पैरों से लिख रहे हैं। दोनों हाथों से दिव्यांग ये अबू हमजा है। दोनों हाथ नहीं होने के बाद भी अबू हमजा आने जाने के लिए किसी के मोहताज नहीं। जिस तरह से बहुत आसानी से साइकिल चलाते जा रहे हैं, उससे इनकी हिम्मत और हौसले को समझा जा सकता है। 7वीं में पढ़ने वाले अबू इटावा शहर में अपने परिवार के साथ रहते हैं और हर दिन साइकिल चलाकर अपने स्कूल रॉयल ऑक्सफोर्ड जाते हैं। अबू हमजा के बारे में और बातें बताएं। इससे पहले आपको बता दें, घर के पास खेलते अबू 11,000 वॉट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए थे। इस हादसे में अबू की जान तो बच गई, लेकिन अबू हमजा को 5 साल की उम्र में दोनों हाथ गंवाने पड़े। हालांकि अबू ने इस दिव्यांगता को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वो स्कूल में भी अपने दोस्तों की तरह लिखता पढ़ता है, साथ ही अपने स्कूल के कंप्यूटर लैब की क्लासेस भी बखूबी अटेंड करता है। लेकिन अबू सारे काम पैरों की उंगलियों से करता है। अबू को खेल में कबड्डी बहुत पसंद है और वो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं। स्कूल में मुझे पढ़ना पसंद है और इसमें म्यूजिक का भी पीरियड लगता है, कंप्यूटर का भी पीरियड लगता है, कंप्यूटर लैब भी जाते हैं और यहाँ पर गेम्स भी है और लाइब्रेरी सब है। अबू को स्पेशल चाइल्ड के रूप में पहचाना जाता है। स्कूल में लंच टाइम के दौरान उसके दोस्त उसे बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। अबू के स्कूल के टीचर बताते हैं कि वो पैरों से कॉपी पर बहुत अच्छे से लिखता है और शरारत भी बहुत करता है। इनमें और बच्चों में कुछ फ़र्क नहीं है, बल्कि ये और चाइल्ड से बहुत ज़्यादा स्पेशल ही है, क्योंकि और बच्चे प्रॉपर हैंड एंड लेग से वर्क करते हैं, ये बाय लेग इतना अच्छा वर्क करते हैं कि वो जो हैंड से भी नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चों की हैंड राइटिंग भी इनसे गंदी है, प्रॉपर कीबोर्ड भी इतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं, ये बिना देखे आराम से कीज़ को यूज़ कर लेते हैं बाय लेग। इनको ज़रूरत नहीं है कि कुछ बच्चे कीबोर्ड पर देखकर टाइपिंग करते हैं, ये बिना देखे लेग से टाइपिंग कर लेते हैं, बहुत प्रॉपर वर्क हर वे से अच्छे से कर लेते हैं। इनमें और ऑल स्टूडेंट्स में ये बेस्ट ही है। पिता की जिद और अबू की लगन ने उसको फिर से हौसले के बाजू दिए हैं। दोनों हाथ गंवाने के बाद भी अबू किसी बच्चे से कम नहीं है। अबू के पिता ने उसको पैरों से लिखने की आदत डलवाई और हर वो काम पैरों से करने को कहा जो एक आम इंसान हाथों से करता है, जिसके बाद से अबू को कोई परेशानी नहीं हुई। अब इसके आगे भविष्य का मामला है, भाई हम लोग कब तक हैं, उसके आगे इसको अपनी पूरी अभी लाइफ जीनी है। अब एक ही रास्ता है कि इनको पढ़ाया जाए, पढ़ाने के बाद में कोई नौकरी वगैरह अगर कोटे वगैरह से मिल जाती है तो इनका आगे आने वाले भविष्य अच्छा हो सकता है। तो यही हमारी कोशिश रही है, इनको हौसला बढ़ाया और इन्होंने भी कोशिश की। स्कूल प्रबंधन ने अबू की लगन और परिवार के जज्बे को देखते हुए उसकी फीस भी माफ कर दी और अबू को इंटरमीडिएट तक बिना फीस पढ़ाने का फैसला भी किया है। अबू की हिम्मत ने वास्तव में उसे स्पेशल चाइल्ड बनाया है और ऐसे बच्चे समाज के लिए रोल मॉडल है। इटावा से R9 टीवी के लिए संदीप मिश्रा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अबू को देखकर तो यही कहेंगे, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।